हे आद्य शक्ति कृपा करो। आज हम सब आराधक शक्ति आराधना में बैठे हैं सिद्ध चक्र महायंत्र के साथ, और हमारी शक्ति आराधना और नवपद ज्ञान साधना बाह्य जगत और अंतर जगत की ये दुनिया, दोनों दुनिया के अंदर हम समतोल में रहे, शुद्ध रहे, पवित्र रहे, निर्मल रहे, आनंदमय रहे, मैत्रीमय रहे, सेवामय रहे, बस ऐसी हम सब पर कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। नमो जीराणम, नमो जीराणम, नमो जीराणम। इस आराधना की शुरुआत और दीप प्रकटीकरण हमारे बीच श्री कांति लाल भाई गौसर, जो यहाँ के ट्रस्टी और खजांची यानी ट्रेजरर भी है, लायंस क्लब घाटकोपर के चेयरमैन भी है और स्वयं इंजीनियर है, ट्रिपल इंजीनियर है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ऑटोमोबाइल। तो हम ये साइंटिफिक आराधना और ज्ञानपद साधना की शुरुआत इनके हस्तकमलों से दीप प्रकटीकरण करके करते हैं। नमो जिनाणम जीवयाणम, नमो आज की ये पहले दिन की शुरुआत यानी के महाकाली माता का आलंबन लेना है। आद्य शक्ति माता महाकाली, छह दिन हम जितनी माताओं का आलंबन लेंगे ये हमारे अंदर ही रही हुई सात्विक शक्तियां हैं जिसको एनलाइटन करने का ये छः दिन का आराधना महोत्सव है। तो छः दिन हमारा ये प्रोसेस रहेगा कि हम खुद के अंदर, हमारे खुद के अंदर रही हुई दो प्रकार की शक्ति होती है। शक्ति कभी भी प्रकार वाली नहीं होती है, लेकिन हम उसको प्रकार बना देते हैं हमारी मान्यता के मुताबिक।
तो जैसे हम अपनी मान्यता अशुद्ध बनाते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए बनाते हैं, खुद का मतलब निकालने के लिए बनाते हैं, खुद का मतलब निकालना गलत नहीं है, लेकिन खुद का मतलब निकालते हुए किसी का नुकसान करना, इस प्रकार की मनोवृत्ति रखना, ये शक्ति का दुरुपयोग है। यानी कि इस शक्ति, शक्ति शक्ति होती है, एनर्जी एनर्जी होती है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव हम डालते हैं। सो हमारा ऑब्जेक्टिव इस 6 दिन का ये है कि सबसे पहले हम इस एनर्जी को, जैसे हम वातावरण को पोल्यूट करते हैं, करते हैं कि नहीं, हाँ, वातावरण को, वायु का प्रदूषण, ध्वनि का प्रदूषण, विचारों का प्रदूषण, इसके ऊपर किसी का ध्यान जाता नहीं है। विचारों का सबसे शुरुआत कहां से होती है, तो के वृत्तियों का प्रदूषण। हम लोग सब ये वृत्तियां अपने अंदर बिठाकर लाए हुए हैं। वृत्ति यानी पूर्व संस्कार, पूर्व कर्म, और पूर्व संस्कार और पूर्व कर्म यानी पास्ट, हमारा पास्ट, और उस पास्ट में हुई घटना, जो भी घटना होती है, उस घटना को हमने पॉजिटिव और नेगेटिव नाम का लेबल दे दिया है। नेगेटिव यानी जिस एनर्जी से हम दूसरे का नुकसान करते हैं, पहले खुद का करते हैं और फिर दूसरों का नुकसान करते हैं। कभी भी हम, जब एक ध्यान में रखना कि जब हम कभी भी दूसरे का नुकसान करने की कोशिश करते हैं, तो ये समझ लेना कि जिस समय आपको ऐसा विचार आया, उसी समय से आपका नुकसान तो शुरू ही हो गया। फिर आप दूसरे के नुकसान करने में सफल हो या न हो, लेकिन आपका नुकसान आपने बुक कर लिया, रिजर्व कर लिया, फिक्स डिपॉजिट में आ गया। सो हमारा इस आराधना का सबसे पहला मकसद ये है कि जब जब भी ऐसा विचार खड़ा हो कि इसका मैं ऐसा करूं, इसका मैं ऐसा करूं, ऐसा विचार भी आए तो इमीडिएटली शूट एट साइट। ये आराधना का मतलब ये है कि जैसे दूसरे का नुकसान करने की इच्छा हो, विचार हो, ऐसी भावना जैसी खड़ी होती है, उस भावना को वहीं डिस्ट्रक्ट करना है। यही है महाकाली माता की शक्ति। माँ काली माता का स्वरूप फोटो के अंदर आपने देखा होगा, या माँ काली माता के मंदिर में गए होंगे तो उनका स्वरूप देखा होगा। देखा है कि नहीं? हाँ, कैसा रौद्र स्वरूप होता है। और उस रौद्र स्वरूप क्यों होता है, यानी वो रौद्र हमारे अंदर रही हुई नकारात्मकता के ऊपर आक्रमण करने के लिए वो तैयार है, प्रोवाइडेड वी अलाउ दैट शक्ति टू कम इन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आज हम जो बैठे हैं, पहले दिन हमें यही काम करना है, महाकाली माता का शरण लेते हुए। महाकाली माता यानी वो हमारी शक्ति रक्षक माता है। कौन सी है? शक्ति रक्षक माता, यानी जैसे एक सूरवीर लड़ाई करने जाता है, और जब लड़ाई करने जाता है तो उसके ऊपर कोई भी अटैक करे तो वो अटैक असफल बने, इसके लिए वो कवच पहनता है, बुलेट प्रूफ, मालूम है, बुलेट प्रूफ कार होती है, बुलेट प्रूफ जैकेट होता है। हाँ, तो इस प्रकार ये महाकाली माता कौन है हमारे लिए? कौन सा कवच? बुलेट प्रूफ नहीं, नेगेटिव प्रूफ। हमारे अंदर जो नेगेटिविटी खड़ी होती है, हाँ,
उस नेगेटिविटी को वहां का वहां खत्म करने की जो शक्ति है ये आद्य शक्ति कही जाती है। और ये आद्य शक्ति यानी दिस एनर्जी को हम आह्वान दे रहे हैं आज, महालक्ष्मी माता का पूजन करना, उनके मंत्रों का जाप करना और उनका आह्वान करा, हमारे अंदर आह्वान करना। यानी जब हमने उनका आह्वान किया तो हमारे अंदर से आक्रमण और बाहर से आक्रमण, दोनों आक्रमण का इलाज हो गया। दो प्रकार के आक्रमण होते हैं, एक हमारा अंदर से विचारों का आक्रमण होता है और एक दूसरा बाह्य जगत का आक्रमण होता है जो हमें प्रेरित करता है। बाहर के लोग हमें प्रेरित करते हैं, अरे आजा आजा ऐसा, चलो थोड़ा सा दारू पी ले, चल थोड़ा सा ऐसा उल्टा सीधा कर ले, चल तेरी मम्मी को मालूम नहीं पड़ेगा, क्या फर्क पड़ता है मम्मी पापा को, क्या मालूम पड़ेगा, हम लोग ये कर लेते हैं। तो ये सब क्या है, शुरुआत कहाँ से होती है, छोटी 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 नेगेटिविटी से, छोटी छोटी गलतियों से। और उसमें क्या होता है, बाहर का फोर्स होता है, फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल, ये सब क्या मजबूर करते हैं हमको, गैंग बनाते हैं, नेगेटिविटी की गैंग बनाते हैं कि चल आज इसको धो डालते हैं, बोलते हैं तू भी खड़ा रहना हा? और इसी प्रकार आप दूसरा भी सुन रहे हो समाज में, रेप, गैंग रेप, ये क्या है, एक ही बात है, वो गैंग में जो भी करना है अकेला आदमी नहीं कर सकता है, इसलिए वो क्या करता है, गैंग बनाता है। और हमको इसमें बाह्य प्रेशर से, दोस्ती के नाम से शामिल कर लेता है ऐसी गलत हरकतों में, यानी ये एक्सटर्नल। और एक है इंटरनल, इंटरनल हमारे खुद के विचार, खुद की वृत्तियां इस प्रकार चलती है कि इसका ऐसा कर दूं, इसका ऐसा बिगाड़ूं, इसका ऐसा करूं, ये इतना बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है तो कहीं इसकी लाइट बिगाड़ दूं, कहीं इसका स्पीकर बिगाड़ दूं, कहीं इसका आयोजन बिगाड़ दूं, कहाँ जाके कुछ कंप्लेन कर दूं, हाँ कोई कुछ अच्छा बजा रहा है तो बोले उसकी बैंड बजा दूं, कोई अच्छी आराधना साधना कर रहा है, अरे मेरे से अच्छा बढ़ कर उसका बिगाड़ो, कैसे कैसे उसका नाम बिगाड़ो, हाँ विघ्न संतोषी। इस प्रकार की ये नेगेटिविटी, कोई किसी का अच्छा मार्क्स आया तो उसको उतारो, किसी की नाम ना हो रही है, आपकी प्रसिद्धि नहीं हो रही है उस आपकी जगह दूसरे की प्रसिद्धि हो रही तो उसको बदनाम करो, ये सब नकारात्मक जो हमारे एक अंदर से उठती हुई नकारात्मकता और एक बाहर के जगत से उठती हुई नकारात्मकता को खत्म करने की आज आद्य शक्ति का हम आह्वान करने जा रहे हैं। आर यू ऑल रेडी, डू यू वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस? क्योंकि आज हमारे जीवन में जितनी भी परेशानी है उसका मूल कारण, सेंटर पॉइंट, एक अंदर से उठती हुई नकारात्मकता जो हमारे भूतकाल के संस्कार से आती है और एक बाहर के प्रभाव से, हमारी गलत दोस्ती से, गलत संगतों से, संगत गलत होती है, गलत संगत होती है, गलत मित्र होते हैं, हाँ गलत सगे संबंधी होते हैं, गलत अड़ोस पड़ोस होते हैं, तो हम लोग उसके बहकावे में आकर गलत सलत कर बैठते हैं। तो ये सारी जो शक्तियां हैं, एक एक्सटर्नल फैक्टर एनर्जीज एंड इंटरनल फैक्टर एनर्जीज, ये दोनों एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज से हमें आज क्या करना है, क्या करना है, देखो किसी को निकालना है तो देर आर टू वेज ऑफ रिमूविंग, वन इज डिफेंसिव एंड अदर इज अटैक। अभी आपको क्या करना है बोलो, आपको क्या करना है, हैं?